ऊपर ना दोस्तों ये खड़के के पेड़ है, और अभी देखो यहाँ पे दो बंदर बैठे हुए हैं बढ़िया से। तेरे कितने आ जाएंगे अनवी? तेरा 80 में से 80? वो बब्बा क्या बात है भैया। पहाड़ों में ना हर चीज जुगाड़ से चल जाती है, तो ये सारे जुगाड़ ना पहाड़ों में आराम से हो जाता है। देखो भाई दोस्तों, आज अरब सिंह को पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे देखो बिल्कुल काम करने पे लगा हुआ है जो कर। आज ना हमारा बिल्कुल ही पोपट हो गया, यानी तगड़ा ही पोपट हो गया। जब तक हम गए तब तक हमने तो इसको गलत ही समझ लिया था, हमने तो सोचा था सफाई कर रहा है, पर ये तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से नए एपिसोड में। तो चलिए पहले इस नए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, आइए फिर कुछ खास करते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्यारी सी वीडियो में, देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे प्यारे से गांव एरोली से, जहां से मैं आपके लिए प्यारी सी वीडियो बना रहा हूं। तो अभी करीबन दोस्तों दोपहर का टाइम हो रहा है और मेरी वीडियो की शुरुआत भी ना ठीक दोपहर के 1 बजे से हो रही है। तो अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है और आज का मौसम चेक करो भाई दोस्तों कैसा हो रखा है। सुबह से दोस्तों धूप आ रखी थी और कल रात को भी बारिश हुई, पर सुबह मौसम बढ़िया खुल गया था, बट अभी के टाइम पे ना फिर से देखो मौसम बिल्कुल बनने लग गया है बारिश वाला। अपने दीबा पर्वत की तरफ नजर डालोगे तो दीबा पर्वत में भी अभी बढ़िया से धुंध लगी हुई है। इतना क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा, बट इतनी ज़्यादा धुंध भी नहीं है, मतलब ठीक ठाक अभी धुंध लगी हुई है। तो यहाँ देखो भाई दोस्तों, आज अरब सिंह को पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे देखो बिल्कुल काम करने पे लगा हुआ है, जो कंडेली होती है ना यानी बिच्छू घास, तो उसकी सफाई कर रहा है भाई रास्तों की। वाह गुड यार, ये कंडेली तोड़ रहा है अपने लिए। भाई दोस्तों कह रहा है बल ऐसा पे लगाऊंगा इसलिए तोड़ रहा हूँ बल मैं तो। भाई हमने तो इसको गलत ही समझ लिया था, हमने तो सोचा था सफाई कर रहा है, पर ये तो उल्टे काम कर रहा है भैया। यहाँ देखो भाई दोस्तों, ये जो छोटे छोटे कुत्ते हैं ना, ये देखो अभी ताई जी पे भूख रहे, ताई जी ऊपर से आई और ये ऐसी हैं, ये मतलब जैसे मैं रात को आता हूँ ना इधर उधर से तो मेरे पे भी आते हैं, तो मतलब ये जब बड़े हो जाएंगे ना ये गांव में किसी को आने ही नहीं देंगे, तो सुधारना पड़ेगा नहीं तो ये तो। ये देखो जाओ बल हम खाल बढ़ जाओ बल एक नहीं बल और डर देखो। तो चलिए भाई दोस्तों एक बार फिर मिलिए अरब सिंह से, और अरब सिंह भी स्कूल से आ गए हैं। तो अरब सिंह राम राम, जय श्री राम, क्या कर रहे हो? कुछ ना, इधर आओ जरा। स्कूल से आ गए, क्या पढ़ा? आम पढ़ा। कौन सा वाला आम? एक आम, दो आम नहीं पढ़े? हाँ, और चप्पल कैसे पहन रखे जरा दिखाना, अपने चप्पल उल्टे चप्पल पहन रखे हैं? सुल्टे इन पंदी है, सुल्टा कन पंदी जरा बता दे। तो उल्टा किला पहनी तिल? हाँ पहनी जरा, पहनी जरा इन पंदी सुल्टा है। तो पहले उल्टा किला पन्या छाई अपना दोस्तों। झुमरू तलाया वन मैन आर्मी लगा हुआ है दोस्तों सारे बंदरों को भगाने पे, तो काफी सारे बंदर दोस्तों आ रखे हैं। देखो ठीक उसी के सामने एक बंदर है और उसका ध्यान ना दूसरे वाले बंदर पे है, यहाँ पे देखो और उसका ध्यान दूसरे बंदर पे है। भाई दोस्तों अकेला रहता है, भाई अकेला लगा रहता है सारे बंदरों को भगाने पे। बहुत मस्त कुत्ता है भाई अपना झुमरू तलैया। इसी की तरह ना अगर दोस्तों हमारे गांव में एक दो कुत्ते और हो जाए तो फिर बंदर ना यहाँ बिल्कुल उल्टे काम नहीं कर पाएंगे, यानी हमारे खेतों को नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये अकेले इतना खतरनाक है। तो दो तीन मिल गए तो कितना खतरनाक सीन हो जाएगा। यहाँ देखो भाई दोस्तों शाम का काम अभी से। हेलो गाइज, हाथ इन करेगी। नमस्ते दबरिया, हुआ ठीक ठाक सा हुआ? हाँ, मिला। हाँ। आप लोग सब ठीक हैं? हाँ। हम भी ठीक है, आप भी ठीक ही होंगे। तो पीछे पीछे बिना देखे भैया ये भी खतरनाक सीन है भैया। और पता दोस्तों इस वाले एरिया में ना ये सारे के सारे घर खाली हैं, तो सबसे ज्यादा बंदर ना यहीं पे बैठे होते हैं और यहीं आते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे उनको कोई दिखता ही नहीं है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से देखते हो भाई पूरे गांव का नक्शा कि कहाँ पे जाऊँ और कहाँ अन्याड़ कर दूँ। यानी अन्याड़ से दोस्तों मेरा मतलब है कि कहाँ नुकसान कर दूँ, अन्याड़ का मतलब दोस्तों हमारे यहाँ नुकसान से होता है, तो कहाँ नुकसान कर दूँ ये चीज़ें सोचते हैं कि किसके खेत में घुसूँ। फिलहाल यहाँ देखो भाई दोस्तों मिलिए अनवी से, और अनवी भी स्कूल से आ गया है। किस चीज़ का पेपर था आज? कैसे गया? अच्छा पक्का? हाँ। हो जाएगी पास? पक्की बात? हाँ।
कितने नंबर आएंगे? मतलब सरल आ रखा था? हाँ, जो पढ़ रखा था सब आ रखा था। अरे वाह यार, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर तो तेरे तगड़े नंबर आने वाले हैं। फिलहाल इनसे मिलिए, ये है आयुष भाई। और आपके किस चीज़ का पेपर था? कैसे गया? छः सात आठ लोगों को समझ भी आता था, तो कैसे गया तब? अच्छा क्या जो पढ़ा था वो सब आया है? हाँ। अरे वाह यार, फिर तो मजे आ गए तुम्हारे। कितने नंबर आ जाएंगे? 65। अरे वाह यार, गुड यार, फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को। तेरे कितने आ जाएंगे एनबी? तेरे 80 में से 80। वो बप्पा क्या बात है भैया, तुम तो टॉपर हो फिर तो। चलो बढ़िया, जाओ घर जाओ, खाना वाना खाओ, ठीक है? बाय बाय। तो चलो भाई दोस्तों, अभी अपना खाना वगैरह भी एकदम बढ़िया से हो गया है और मैं भी पहुंच गया हूँ दोस्तों अपने गांव के ठीक पंद्रह में। तो कुछ कपड़े थे अपने, तो वो धोने थे, तो इनको धुलने ही आया। बाकी दोस्तों ना, अभी मौसम भी थोड़ा बहुत ठीक हो रखा है इधर से, क्योंकि इधर से नहीं लग रहा मुझे कि बारिश के चांस बन रहे हैं। बारिश के चांस ना दोस्तों इस वाली साइड से बन रहे हैं, और इधर से फिर भी ठीक ठाक है, मतलब अभी बारिश नहीं होगी, तो ये बढ़िया है। तो कपड़े धो पाऊंगा आराम से। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, चाचा जी और ताऊ जी की तैयारी हो गई है दोस्तों लकड़ी फाड़ने के लिए जाने की, बढ़िया से निकल गए हैं। और मैंने भी धो लिए हैं कपड़े, तो मैं भी निकलता हूँ बढ़िया से घर की तरफ। हमारे ऊपर ना दोस्तों ये खड़के के पेड़ है, और अभी देखो यहाँ पे दो बंदर बैठे हुए हैं बढ़िया से और खड़किया खा रहे हैं भाई। देखो एक यहाँ से खा रहा है और एक बैठा हुआ है ठीक इस वाली जगह में देखो। और कुछ खड़के ना दोस्तों नीचे गिर रहे हैं, तो उसके चक्कर में ठीक मेरे सर पे गिर रहे थे। बाकी ये दोनों ना लगे हुए हैं सार के, कब वो दोनों नीचे आए। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी हो गई है, तो बिल्कुल शोर शराबा करते करते जा रहे हैं घर। तो चलो भाई दोस्तों, अभी घर भी पहुंच गया हूँ, और यहाँ देखो भाई दोस्तों बढ़िया से कपड़े वगैरह भी सुखाने के लिए रख दिए हैं। तो कपड़े ठीक ऊपर वाली छत में, और ये वाले कपड़े तो घर में मम्मी लोगों ने धोए, और मेरे वाले हैं ऊपर जो कि मैं धो के लाया। फिलहाल मिलिए जाने माने चेहरों से, सौरभ भाई से। सौरभ भाई राम राम। राम राम। तो दोस्तों इसलिए ना मुझे देखते ही कैमरा ऑन कर दिया। भाई अभी तो मूवी नहीं धोया उठ के। भाई मैं इसलिए बोला क्योंकि दो दिन आप कोड़दार गए और उतने में आप चमक के आ गए। भाई चमक के नहीं यार, अभी मुंह नहीं धोया है, ये राजा खूबसूरती का। अरे भैया भाई साहब बिल्कुल चमक रहा है भैया, मतलब दो दिन में ना पानी लग गया कोड़दार का। हमका टाइम है और चाय ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सौरभ भाई को सबसे पहले चाय। अरे तो भाई ना पियो यार। नजर दोस्तों हमारे मजदूर भाई की तरफ भी डालिए, ये भाई सी का पेपर था और पेपर दे के भी आ गए हैं। तो कैसे गया भैया पेपर आपका? बढ़िया। खराब गया कि बढ़िया गया? खराब। क्यों? कल यूरोन का सूत्र तो आप तगड़ा सुना रहे थे हमें, क्या बात है। तो चलो भाई दोस्तों, अभी घर भी पहुंच गए हैं, और ये हमारा छोटा भाई आयुष, और आज इसका बर्थडे है। तो आयुष ब्रो हैप्पी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। दोस्तों अभी हमारे लिए ना थोड़ी सी लेट भी हो गई है, और बर्थडे बॉय ने तो हमें घर पे आके इनवाइट किया, पर जब तक बर्थडे में पहुंचे ना तब तक तो केक वगैरह भी कट चुका है, क्योंकि साउंड ही सुनाई दे रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। पता है कमेंट बॉक्स में भी काफी कमेंट ऐसे भी पढ़ने वाला है कि बर्थडे किसका है। तो बर्थडे है दोस्तों भिक्षु चाचा है हमारे गांव में, तो उनके लड़के का बर्थडे है। तो चलो चलते हैं, क्योंकि हैप्पी बर्थडे टू यू का ही साउंड सुनाई दे रहा है, तो जल्दी से निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया अभी चल रही है। यहाँ देखो भाई दोस्तों, सौरभ भाई को ना बढ़िया से काम दे दिया है केक वगैरह वितरण करने का सारे बच्चों को। अभी सौरभ भाई देखो सबको वितरण कर रहे हैं फिलहाल इधर से, तो इधर से सारे बच्चे आ रहे हैं। थोड़ा कटोरी की कमी है, इसलिए कागज में देना पड़ रहा है। बिल्कुल, पहाड़ों में ना हर चीज जुगाड़ से चल जाती है, तो ये सारे जुगाड़ ना पहाड़ों में आराम से हो जाते हैं भैया। तो चलो भाई दोस्तों, अभी बर्थडे पार्टी से भी आ गए हैं, और माँ के लिए केक भी लेके आ गए। तो माँ के लिए दिया है बस, भाई किसी के लिए नहीं दिया है। शीतल को तो बिल्कुल नहीं देना है, माँ जल्दी दे यार। जादू को बिल्कुल नहीं देना है। हाँ बस हो गया, मूंगफली के छिलके हो गया, हो गया। मूंगफली के छिलके पकड़ा दिए भैया। देख छिलके तो क्या है। हाँ एक हिस्से में मूंगफली रख रखी है, और एक हिस्से में खा के छिलके, छिलके। हम कूड़ा नहीं फैलाते हैं। हाँ, और ये इसको इसको छिलके क्यों पकड़? ये रो रही है केक खाने के लिए, रो रही है। आई क्यों नहीं फिर? आई क्यों नहीं?
पढ़ाई करने अभी। ओहो, तो फिर जल्दी बोलो और फिर काम करो। केक 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 नहीं है तुम्हारे लिए? इतना प्यार, क्या बात है भाई, खुद ही हाथों से खिलाया जा रहा है यहाँ। मिलिए दोस्तों हमारे पापा जी से, और आज हमारे पापा जी का देखो भाई दोस्तों क्या स्मार्ट लग रहे हैं भाई, क्या स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्मार्टनेस का आप राज हमें बता सकते हो? राज क्या होना, कटिंग करा रखी है राज ही, राज हो गए। अच्छा, थोड़ा बाल सफेद हो गए ना, नहीं तो भैया बिल्कुल आर्मी कटिंग भाई, गजब के दिखाई दे रहे हैं। और आज रात के खाने की जो व्यवस्था है ना दोस्तों, वो भी हमारे पापा के हाथ सौंपी गई है। यानी अभी आलू और मटर छीले जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था अभी पापा जी संभाल रहे हैं, और शायद सब्जी भी पापा जी ही बनाने वाले हैं। आप ही बनाओगे ना आज? पापा जी ही बनाने वाले हैं, और बड़े स्मार्ट लग रहे हैं भाई आज तो। वाह, आज तो शायद माँ भी बोल रही होगी वाह क्या स्मार्ट दिखाई दे रहे हो। चलिए भाई दोस्तों, अभी अपना डिनर वगैरह भी एकदम बढ़िया से हो गया है, और आज ना हमारा बिल्कुल ही पोपट हो गया, यानी तगड़ा ही पोपट हो गया। जब तक हम गए तब तक पूरा का पूरा बर्थडे मना ही दिया था लगभग लगभग। वो वीडियो शूट करने के लिए ना मैंने फिर से बोला कि थोड़ा बहुत खिला दे, तब जाके वो थोड़ी सी वीडियो शूट हो पाए, और इसीलिए ना पूरी वीडियो भी शूट नहीं हो पाई ठीक से, मतलब बर्थडे इतने तरीके अच्छे तरीके से शूट नहीं हो पाया। बाकी आज के दिन का हाल दोस्तों कुछ ऐसा था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, और अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ वीडियो को जस्ट जस्ट शेयर करना। फिर लेते हैं आप लोगों से विदा, और फिर मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।